आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सपर्ट पर स्वागत है। 25 तारीख को भाई ये लोअर डिवीजन कलर का एग्ज़ाम हुआ है DHVVN में। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 11/2019, कैटेगरी नंबर 4। भाई मैं इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम था, इसका पेपर मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। भाई आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको डायरेक्ट PDF मिल जाएगी, आप अपने आगे तैयारी कर सकते हैं भाई। ठीक है, मैं आपको अभी पेपर दिखा देता हूँ और इसमें आपको हरियाणा जी के कराऊंगा भाई, बाकी इंग्लिश और ये बाकी चीज़ मैथ रीजनिंग आप खुद कर लेना भाई। ठीक है, एक मेरे फ्रेंड का पेपर है, आप इस ये जो आंसर दे रखे उसने दे रखे हैं, तो आप इन्हें सही मत मानना, बाकी जो मुझे पता वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब जैसे देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 1, न्यून में से क्या मित्र का पर्यायवाची नहीं है? माँ लिख रखे भाई, शायद ठीक हो सकता, बाकी ऑप्शन देख के पता लगता भाई। दिए गए शब्द विलोम शब्द का दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, इसका उल्टा भाई चेतन का जड़। ठीक है भाई, कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, बहुत निराश होना ये भी सही है भाई। व्यक्तियों शब्द का एक वचन व्यक्ति, ठीक है भाई। राजा शब्द का बहुवचन, इसका राजा ही आएगा भाई, इसने राजो, इसका गलत है शायद, ये इंग्लिश थोड़ी मेरी वीक है, ये आप देख लेना भाई। आगे देखो भाई, भारतीय सम्राट जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, वह थे समुद्रगुप्त, ये देख लेना, इसका मुझे कंफर्म नहीं है भाई, बाकी ठीक हो सकता है। 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला भारतीय है, अभिजीत बैनर्जी, ये बिल्कुल ठीक है भाई, करंट अफेयर का क्वेश्चन आया हुआ है भाई। ये कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, ये भी ठीक है भाई, राजस्थान। ये भाई जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य का 2019 में केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठन किया गया है, उनमें से दो केंद्र शासित, रुक जाओ भाई एक सेकंड, नीचे चला गया, हाँ, उनमें से दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और डैश में विभाजित कर दिया गया, लद्दाख आएगा भाई इसका, सही है। राम सेतु निम्नलिखित में से किस जल्ड मरु मध्य में स्थित है, इसका आएगा भाई, ये मैंने देखा था गूगल पे, पालक स्ट्रेट आएगा भाई इसका, मतलब पालक ये जल डमरू मध्य जो है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर, ये सभी को पता भाई, ये ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए क्या उपाधि दी गई, शेर हिंद, ये भी ठीक है भाई। सितंबर 2019 में हरियाणा किस जिले के नाम है, हिसार जिले में किस एयरलाइंस ने अपनी सेवाएँ शुरू की, स्पाइस जेट, ठीक है भाई। 1 दिसंबर 2019 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, ये भी सही है भाई। बांग्लादेश में 2019 में आयोजित T20 श्रृंखला सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने, जसप्रीत बुमराह, ये भी सही है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई ये। हरियाणा में खेल महाकुंभ 2019 कहाँ आयोजित किया गया था, गुरुग्राम, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2019 में गूगल प्रतियोगिता का डूडल जीता, भाई ये इसका गलत है, इसका आएगा भाई दीवानसी सिंगल भाई, ठीक है। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर डैश में स्थित है भाई, कुरुक्षेत्र, ठीक है। बाकी थानेसर आए तो भाई थानेसर है इसकी प्रॉपर जगह, बाकी कुरुक्षेत्र भी ठीक है भाई। निम्नलिखित में से किस भाषा में आपको ज़्यादा हरियाणवी साहित्य नहीं मिलेगा, उर्दू, ये भी सही है भाई। निम्नलिखित में से हरियाणवी भाषा में अपनी हास्य व्यंग्य कविता के लिए जाना जाता है, इसका सुरेंद्र शर्मा आएगा भाई, ये इसका गलत है, देख लेना। नेकचंद सैनी डैश से जुड़े हैं भाई, ये भाई ऑप्शन देख के पता लगेगा, इसका कुछ कह नहीं सकता। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा सबसे बड़ा जिला, सिरसा, सही है भाई। अरावली की पहाड़ी हरियाणा के दक्षिण में है भाई, ये इसका शायद गलत है। अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है, इसका फरीदाबाद आएगा भाई। 1 जनवरी 2020 तक हरियाणा के राज्यपाल भाई, ये भी इसका गलत है, सत्यदेव नारायण आर्य आएगा भाई, ठीक है। हरियाणा के प्रत्येक जिले का नेतृत्व डैश द्वारा संभागीय आयुक्त, ये ठीक हो सकता है, इसका कन्फर्म नहीं है, ऑप्शन देख के पता लगेगा। हरियाणा में लोकसभा सीटों की कुल संख्या डैश है 10, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य वृक्ष है, पीपल, ठीक है भाई। हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है, ये भाई ठीक हो सकता है, बाकी ऑप्शन से पता लगेगा, ठीक है। हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लवणीय क्षारीय मिट्टी, ठीक है, बाकी ऑप्शन से पता लगता है। बाकी आगे कंप्यूटर के भाई, ये कंप्यूटर के आए हुए हैं 8 क्वेश्चन भाई, 8 के करीब क्वेश्चन है, ये देख लेना। बाकी आगे रीजनिंग भाई ये आप खुद कर लेना, बाकी इजी है। जैसे ये आया हुआ है 41वां क्वेश्चन है, PACUFHJ, 5 5 का वो है भाई, 5 5 बढ़ा के लिखे हुए, आगे 5 और जोड़ दो,
जैसे इसका ये गलत है भाई, सी में 5 जोड़ोगे एच आ गया, ओ में 5 जोड़ोगे टी आएगा, ऐसे देख लेना भाई। ये अगला इसका ठीक है भाई, 5 और 1 6, 6 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20 आएगा भाई इसका, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है भाई। जैसे ये आया 44 में भाई, फाइंड एल सी एम ऑफ 10 एंड 15, ये सभी को पता 30 आएगा भाई। ये 12 बोतल, ये भी ठीक है भाई इसका। बाकी ये देख लेना मैथ भाई, इजी आया हुआ है। जैसे ये है भाई 48 में क्वेश्चन है भाई, SI प्रणाली में ऊष्मा की इकाई भाई, इसका जूल आएगा भाई, इसका गलत है केल्विन, आप देख लेना बाकी, ठीक है दोस्तों। बाकी आगे ये साइंस आ गई, और बाकी आपको डायरेक्ट वो क्या नाम है, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से PDF डाउनलोड हो जाएगी, वो आप निकाल लेना, मैथ है जो बाकी आगे क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए भाई, और चैनल से और जुड़ी लेटेस्ट जॉब से जुड़ी है तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना भाई।